इस वीडियो में हम ट्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन जो जनरल क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड की क्वेश्चन है, जो आपके मैथमेटिक्स का टॉपिक रहेगा, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। जनरल क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो ट्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहेंगी उनमें हमें पहले फार्मूला बेस प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद में जनरल क्वेश्चन वो डेटा सफिशिएंसी वाले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा। जैसे कि एक ट्रेन है वो 60 की स्पीड से क्रॉस कर रही है एक पोल को 9 सेकेंड में, तो ट्रेन की लेंथ क्या होगी। तो सबसे पहले तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। फार्मूला क्या है? फार्मूला आपका जैसे कि फार्मूला जो रहेगा ट्रेन की लेंथ ज्ञात करने के लिए, जैसे हिंदी में फार्मूला रहेगा चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा ये फार्मूला? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या क्या दी हुई है? किलोमीटर में स्पीड दी हुई है। अब किलोमीटर क्या होता है? देखिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये आपको पता है। अब किलोमीटर ज़्यादा है, उसको अगर आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है, क्योंकि टाइम आपको दे रखा है 9 सेकंड, तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? 60 को अब ज़्यादा को कम में कन्वर्ट करना है। तो जैसे आप कम कन्फ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि 5/18 से मल्टीप्लाई करें, 18/5 से मल्टीप्लाई करें। 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ज़्यादा आ रहा है, तो ज़्यादा की तरफ आपको नहीं जाना है, कम की तरफ जाना है, क्योंकि आप किलोमीटर से मीटर में बदल रहे हैं। तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50/50 / 3 m/s। अभी क्या करना है? स्पीड, अभी स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस आपके पास में हो गई है, तो लेंथ अगर निकालनी है तो लेंथ मतलब डिस्टेंस अगर निकालनी है तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो स्पीड इंटू टाइम कैसे हो जाएगा? स्पीड आपकी आ जाएगी 50/3 × टाइम, कितना है? 9 सेकेंड, तो 9 का भाग जाएगा इसमें, तो ये आ जाएगा 150 मीटर। तो 150 मीटर ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रेन की लेंथ निकाल लेते हैं। लेकिन ये तो हमारा क्या होगा? जनरल फार्मूला, क्योंकि जनरल हमें पता है। अगर हमें डायरेक्ट फार्मूला अगर यहाँ पर मालूम होता, तो डायरेक्ट फार्मूला मालूम होने पर हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए, अगर हमें डायरेक्ट फार्मूला मालूम रहेगा तो पहले तो मैं इसको एक साथ क्लियर करने का ऑप्शन है क्या? ये एक साथ क्लियर करने का ऑप्शन नहीं है, इसको चलो सेलेक्ट करके देखते हैं डिलीट होता है क्या ना। एक साथ डिलीट करने का भी ऑप्शन नहीं है, ये तो फ़ोटो लेने का ऑप्शन है। चलो कोई ना, वापस से लगाते हैं। तो देखिए, अगर हमें डायरेक्ट लेंथ निकालनी होती, अगर हमें फार्मूला पता होता कि भाई डिस्टेंस का फार्मूला है स्पीड इनटू टाइम, डायरेक्ट अगर हमें मालूम रहेगा फार्मूला, तो हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए, जैसे 60 दे रखा है, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड बदलेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये टाइम दे रखा है 9 सेकंड, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 2 बार कट जाएगा, और 2 से ये 30 बार कट जाएगा, 30 से 5 मतलब 150 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अभी करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रेन जो है आपकी दे रखी है, एक ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग जो कि एक मैन को पास करती है, रनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक ट्रेन पास कर रही है जो कि 125 मीटर लंबी है, और एक ऐसे इंसान को पास कर रही है जो इंसान 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रहा है, रनिंग एट ए स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इन दी सेम डायरेक्शन इन विच दी ट्रेन इज गोइंग। दी स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड यहाँ पर निकालनी है कि आप ट्रेन की स्पीड है वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, ट्रेन की स्पीड अगर आपको निकालनी है तो पहले क्या करना होगा आपको? ये डिस्टेंस होगी, ये इंसान जो रन कर रहा है उसकी स्पीड है 125 मीटर, और उसको क्रॉस करेगा, तो पूरा 125 मीटर ही क्रॉस करना पड़ेगा उसको। तो पहले 125 मीटर है, ठीक है। अभी इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे? 125 मीटर की स्पीड से रन कर रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी?
क्योंकि ट्रेन भी रन कर रही है सेम डायरेक्शन में और इंसान भी रन कर रहा है सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड जो है हमारी वो कैसे हम निकालेंगे? किलोमीटर को मीटर पर सेकंड बदलें, तो यहाँ पर हो जाएगा 125 डिवाइड बाई 10। तो ये 25/2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 25/2 मीटर पर सेकंड को हम बदलेंगे किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि यहाँ पे भी स्पीड दे रखी है ना, रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए किलोमीटर पर आवर में हमें ये भी बदलना होगा, 125 मीटर है वो, तो 25/2 × 18/5, ठीक है, तो 25/2 × 18/5 आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी हमें दे रखा है कि स्पीड जो ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड अगर मान लेते हैं, यहाँ पर जो ट्रेन की स्पीड है वो एक्स दे रखी है, ठीक है, अरे क्या हो गया, ट्रेन की स्पीड है वो एक्स दे रखी है, तो रिलेटिव स्पीड अगर हम निकालेंगे तो x-5 आ जाएगी रिलेटिव स्पीड, मतलब 45 में से 5 जाएगा, 45-5 होगी, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी, 45 तो रिलेटिव स्पीड आई है, 5 यहाँ पर जुड़ जाएगा, क्योंकि x रिलेटिव स्पीड है वो x-5 है, तो अगर हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू 50 किलोमीटर पर आ जाएगी, जो कि हमने ट्रेन की मानी थी। अभी इसको दूसरे तरीके से करते हैं हम, अपने तरीके से, अपना तरीका क्या कहता है, अपना तरीका ये कहता है कि देखिए ये ट्रेन की लेंथ दे रखी है 125 मीटर, ठीक है, और एक आदमी है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है। अगर आदमी को ट्रेन क्रॉस करेगी, इसका मतलब ये डिस्टेंस है, खुद अपने आप को ही क्रॉस करेगी, खंबे को क्रॉस करो चाहे आदमी को क्रॉस करो, बात एक ही है। तो ये पूछ रहा है कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी, अब इसमें टाइम भी नहीं दिया हुआ, लेकिन 125 मीटर लॉन्ग है ट्रेन दे रखी है यहाँ पर, इसको हमें क्या करना होगा, एक मिनट,